स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे समुच्चयों के सम्मिलन के बारे में, यानी कि यूनियन ऑफ सेट्स के बारे में। क्या होता है यूनियन ऑफ सेट्स, समुच्चयों का सम्मिलन क्या होता है, चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर यह एक संक्रिया है, समुच्चयों के अंदर होने वाला एक ऑपरेशन है। यह ऑपरेशन क्या होता है, चलिए इसको यहाँ पर हम लोग देखते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं कि दो समुच्चय ए तथा बी का सम्मिलन, यानी कि यूनियन का सम्मिलन उन सभी अवयवों का समुच्चय होता है जो ए में है, समुच्चय ए में है, या समुच्चय बी में है, या दोनों ए तथा बी दोनों में। ठीक है, समुच्चय ए और बी का सम्मिलन क्या होता है जी, यहां पर वो उन सभी अवयवों का समुच्चय होता है जो ए में है, मतलब जो भी ए में होंगे वो, या जो बी में होंगे वो, या दोनों समुच्चयों में होंगे वो, उन सबका समुच्चय जो होता है वह क्या कहलाता है, सम्मिलन कहलाता है ए और बी का। क्या लिख सकते हैं कि ए तथा बी के सम्मिलन को ए यूनियन बी, ऐसे लिखा जाता है, ये यूनियन का संकेत है, से सूचित किया। अगर समुच्चय निर्माण रूप में दिखाना होगा तो हम लोग कह सकते हैं कि ए यूनियन बी क्या होगा, एक्स जो होगा बिलोंग करेगा ए से, या एक्स बिलोंग करेगा बी से, इसका मीनिंग ये होगा, यानी कि एक्स समुच्चय ए का अवयव है, या एक्स समुच्चय बी का है, या दोनों का अवयव, मतलब समझे। यानी कि हम लोग इसको ऐसे भी ले सकते हैं, अगर मान लीजिए कोई एक्स अवयव ए यूनियन बी में मिल रहा है, इसका मतलब क्या है, इंप्लाइज एंड इंप्लाइज, इसका मतलब क्या है जी, एक्स बिलोंग करेगा ए में, या एक्स बिलोंग करेगा बी में, या अगर एक्स ए में बिलोंग कर रहा है या बी में बिलोंग कर रहा है तो उसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर ऐसे दिया तो उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे दिया तो उसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा, इससे एक और कंक्लूजन, अगर मान लीजिए एक्स नहीं बिलोंग करता ए यूनियन बी में, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए यूनियन बी में बिलोंग नहीं कर रहा, इसका मतलब कि वो एक्स अवयव ए में नहीं है और बी में भी नहीं है। समझिए, ए यूनियन बी में कोई अवयव एक्स नहीं है, अगर वो अवयव ना तो ए में, ए यूनियन बी में नहीं है, इसका मतलब यह होगा कि वो ए का भी अवयव नहीं होगा और बी का भी अवयव नहीं होगा, क्योंकि ए यूनियन बी में हम लोग उन सभी अवयव को रख रहे हैं जो या तो सिर्फ ए में हो या बी में हो या दोनों में, यानी दोनों में सिर्फ किसी एक में भी रहेगा तो ए यूनियन बी में शामिल हो जाएगा, और जब वो अवयव इसमें शामिल नहीं रहा इसका मतलब कि वो दोनों में से कोई किसी में नहीं है, इसीलिए यहाँ और लग रहा है। और यहाँ यह लगने का मतलब क्या है, ये हो सकता है कि वो ए में है या बी में है या दोनों में, बात को समझ ना, इसीलिए वहां यह लगाया जा रहा है कि हो सकता है इसमें हो या दोनों में, लेकिन यहाँ पे हमें कंफर्म है कि जब वो ए यूनियन बी में नहीं है, इसका मतलब कि ना तो वो ए में होगा और ना ही बी में होगा, तो इसलिए यह और लगाया जा रहा, कथन का मतलब समझना होगा। ठीक है, एग्जाम्पल मान लीजिए ए सेट है 1 2 3 4 और हमारे पास बी सेट है जिसमें जो है 3 4 5 6 7, इन दोनों का अगर आप यूनियन निकालोगे तो जो ए में है या बी में है वो लिखे जाएंगे और जो दोनों में है वो भी लिखे। तो देखो दोनों में जो कॉमन मिलेगा उसको एक बार लिख देना होगा और बाकी जो ए में बच गया वो भी और जो बी में बच गया वो भी, यानी कि दोनों समुच्चय के सारे वो लिखेंगे, जो कॉमन होगा उसको बस एक बार लिखेंगे, जो नहीं भी अगर मान लीजिए कुछ कॉमन ही है तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें वाला भी सब उसमें वाला भी सब, मतलब सो ना ए वाला भी लिखना है बी वाला लिखना है या दोनों वाला लिखना है, सब अवयव लिखना। ठीक है, तो ये ए यूनियन बी के लिए। अब इनके वेन आरेख की बात कर लेते हैं, ए वेन आरेख देखते हैं, पहला स्थिति देखा कि ए यूनियन बी जब ए के सारे अवयव बी में, कब, जब ए के सारे अवयव बी में हो, ए प्रॉपर सबसेट हो, प्रॉपर सेट लिखने का सबसे का मतलब क्या है कि ए के सभी अवयव बी में है लेकिन बी में कुछ ऐसे है जो ए में नहीं है, इसका मतलब ये ना हुआ, तो बी बी के अंदर हमें बनाना होगा ए को,
और कौन सा ए यूनियन बी निकालेंगे तो कौन कौन से अवयव इसमें शामिल होंगे, ये पूरा शामिल हो जाएगा। ए और बी में जो कॉमन होगा वो पूरा सब। एग्जांपल से इसको समझ सकते, जैसे मान लीजिए ए में 1 2 3 है और बी सेट में 1 2 3 4 5 6 भैया, ए किस ए प्रॉपर सबसे है ना बी के, सारे बी में बी मिक्स है जो ए में नहीं है, ए यूनियन बी क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5 यही ना आएगा जी 6, तो ये पूरा हमें बी ही ना फिर प्राप्त हो जा रहा है। तो पूरा बी को रंग दिए हैं चित्र में, यानी कि ए यूनियन बी बी हो जाता है जब ए प्रॉपर सब्जेक्ट हो बी का। इसी प्रकार अगर मान लीजिए ए यूनियन बी की बात करें तो वो ए हो जाएगा जब बी प्रॉपर सब्जेक्ट होगा, ए का बी के सारे अवयव में होंगे तो वहां पे ए आ जाएगा ना जी, ठीक है। इसको कर सकते हैं बी प्रॉपर सब्जेक्ट का चित्र दिखा सकते हैं इसी तरह से, मैं उसी का उल्टा दूसरा ए यूनियन बी जब ना तो ए प्रॉपर सब्सिट्यूट है बी का और ना बी प्रॉपर सब्सिट्यूट, यानी कुछ ही एलिमेंट उनमें कॉमन हो, तो जो कॉमन होगा ए इसका मतलब क्या है, जो कॉमन होगा वो तो लेंगे ही, जो ए में बचेगा वो भी और बी में बचेगा ये भी, यानी ये पूरा ए और बी को रंग देंगे। यही एग्जांपल देखो ना, कॉमन है वो तो ले ही रहा है और जो इसमें भी बच रहा है उसमें भी जो बच रहा है सारे ले रहा है, तो उसी के हिसाब से मैंने छायांकित कर दिया ए यूनियन बी जब ए तथा बी असंयुक्त समुच्चय है। असंयुक्त समुच्चय क्या है, उनमें एक भी एलिमेंट कॉमन हो, ऐसे समुच्चय जिनमें एक भी अवयव सेम ना मिले, तो जब समान अवयव नहीं मिलेंगे तो अलग अलग बनेगा ना, ए अलग बनेगा बी अलग बनेगा, तो अलग अलग बनेगा। लेकिन जैसे मान लो ए सेट है 1 2 3 और बी सेट है अवयव 4 5, तो अगर इन दोनों का यूनियन निकालोगे तो हम लोग क्या लिखेंगे 1 2 3 4 5, जो कॉमन नहीं मिला तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें वाले भी उसमें वाले भी सारे अवयव आ जाए, लेकिन इसको भी रंग देंगे और इसको भी रंग देंगे। इस तरीके से हम लोग ए यूनियन बी यानी कि समुच्चयों का सम्मिलन हम लोग याद करते हैं। समुच्चय के सम्मिलन से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट थे मैंने सारे कंसेप्ट आपको दे दिए, इसको बेहतर तरीके से पढ़ लीजिएगा कर लीजिएगा ताकि चैप्टर में और मजा आए। फिलहाल आज की क्लास में तो आपको क्या करना होगा, प्ले स्टोर से हमारा एप्लीकेशन पढ़ाई.online रवि कांत सर के नाम से है, इसको डाउनलोड कर लेंगे और वहां जाकर आप अपनी पढ़ाई को बेहतर कर सकते हैं। फिलहाल आज की क्लास में इतना है।